हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको मैं बताऊंगा हाउ टू चूज द बेस्ट हाईवे कार फॉर योर फैमिली। इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको अवॉइड करना चाहिए, आई एम गोइंग टू फोकस मोर टुवर्ड्स कि कैसे कार्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ कार्स यू शुड नॉट बाय। ठीक है, तो उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बट मुझे कैसे पता चला कि यार ये बनाना बहुत जरूरी है। ये वीडियो हमारे सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन आया था, वहां से मुझे लगा कि हाँ एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजुअली जब हम एक कार खरीदते हैं ऑलवेज लव आवर कार, जो हमने खुद के पैसों से खरीदते हैं ना, स्पेशली जो वो कार्स का कोई इश्यूज हमें दिखते नहीं है, क्योंकि जो भी फ्लॉज है, क्योंकि सारे कार्स में फ्लॉज होते हैं, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो अच्छी चीजें हैं कार में उस पर ज्यादा फोकस करते हैं एंड वी स्टार्ट लाइकिंग आवर कार्स। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे मेल में ये सेंड किया है कि आई एम डिसअपॉइंटेड विथ माई परचेस, क्योंकि वो बलिनो परचेस कर चुके हैं और अभी उनको पता चला कि उसका सेफ्टी रेटिंग जो है वो उतना अच्छा नहीं है एंड ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ दिस कार। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज वो हाईवे पे चलाते हैं अपने फैमिली के साथ, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। बलिनो बहुत ही बढ़िया कार है और काफी डिसअपॉइंटिंग लगता है कि सर इज नॉट हैप्पी विद दिस व्हीकल, बट ही इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट कस्टमर, क्योंकि हाईवे पे लेके जाते हो गाड़ी तो सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप फैमिली के साथ जाते हो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि भाई कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ होता है तो इफ कार विल प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेंट्स और नॉट। सो इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द क्राइटेरिया या पैरामीटर्स जो आपको कंसिडर करना चाहिए व्हाइल यू मेक ए परचेस। सबसे पहला पॉइंट है प्लीज अवॉइड बॉडी ऑन फ्रेम कार्स। बॉडी ऑन फ्रेम कार्स के एग्जाम्पल्स है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, ये सारे कार जो है ये हाईवे के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। इवन तार तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा क्यों। दीज कार्स आर बिल्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म। अब एक बेस होता है कार के लिए, उस बेस के ऊपर कार बनता है। ठीक है, मैं सिंपल लेमैन टर्म्स में बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई नॉट टू कॉम्प्लिकेट इट, बट सिंपल वे में बताऊँ कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर शुरू होता है एक बेस प्लेटफॉर्म से। तो ये बेस प्लेटफॉर्म जो होता है ये कार को बहुत हेवी बना देता है। अलग अलग टाइप के बॉडी स्टाइल्स होते हैं, एक जो मोनोकॉक होता है उसमें पूरा एक बॉडी का जो कार का जो शेल होता है वो पूरा एक ही होता है, उसमें कोई सेपरेट कॉम्पोनेंट या पार्ट नहीं होता है। बट जो बॉडी ऑन फ्रेम कार्स होते हैं पहले उसमें एक प्लेटफॉर्म बनता है, जो बेस प्लेट होता है वो मेटल का रहता है, हेवी सा रहता है, उसके ऊपर कार अटैच करते हैं या कार इंटीग्रेट होता है उस बॉडी के साथ। ऐसे कार्स को हम बॉडी ऑन फ्रेम कार्स बोलते हैं या लैडर फ्रेम चैसी बोलते हैं। तो ये जो चैसी है ये बना है ऑफ रोडिंग के लिए। सबसे पहली बात ये है कि ये कार्स काफ़ी हैवी होते हैं, तो हैवी होने से सस्पेंशन में ज़्यादा प्रेशर आता है, तो सस्पेंशन के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वो स्टिफनेस भी वो बढ़ा देता है। तो जब आप ऐसे कार्स को हाईवे पर लेके जाते हो और आप गार्ड सेक्शन में चलाते हो तो बॉडी रोल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो ब्रेक्स होता है वो भी, ब्रेक्स अगर बहुत अच्छे नहीं है कार के तो वो आपको रीअश्योरेंस और कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। सो दीज कार्स हैव दिस प्लेटफॉर्म आर हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि जब आप इसको खराब रास्तों पर लेके जाते हो तो वहां पे ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। वहां पे आपको एक फीलिंग आता है कि भाई इस कार को मैं आराम से ऐसे खड्डों में या खराब रास्तों से चला सकता हूँ, इसीलिए ऐसे कार्स को लोग ऑफ रोडिंग में चलाना पसंद करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है कि तार को आप चलाओगे तो सारे जो भी छोटे बम्प्स है, खराब रास्तों में चलाओ, गाड़ी पूरा शेक होते जाएगा, आपको लगेगा कि यार सस्पेंशन कंफर्टेबल होगा, अंदर जो बैठे रहेंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ खराब रास्तों पर चला रहे हो। बिल्कुल नहीं, तार चलाओगे ना आपको सारे गड्ढे, जो भी खराब रास्तों में जितने भी मतलब पॉट होल्स है वो सब फील होने वाला है आपको। ये कार्स काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं ऑन रोड पे, तो ये कार्स आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको उस तरह का कंट्रोल इस कार में नहीं मिलेगा विच यू आर एक्सपेक्टिंग टू हैव जस्ट बिकॉज आप एक हाई सेट सीटिंग पोजिशन में हो। उसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी कंट्रोल गाड़ी का अच्छा होगा। तो ट्राई टू अवॉइड दीज कार्स इज वॉट आई सजेस्ट, बट यू कैन ड्राइव कार्स लाइक फॉर्च्यूनर, क्योंकि ये सारे कार्स एडवांस्ड होते हैं, सस्पेंशन बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, बट उस लेवल का कम्फर्ट और बॉडी कंट्रोल आप इनसे ऐसे कार्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स। बल्कि ये जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है आज के लैडर फ्रेम चैसी के कार्स में, तो आप 120 140 में भी काफ़ी स्टेबल लगता है, बट द बॉडी कंट्रोल
इज नॉट कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग. नेक्स्ट, एवॉइड कार्स विथ पुअर सेफ्टी रेटिंग. आप बलिनो जैसे कार को सिटी में चला सकते हो, नॉट एन इश्यू, बट ऐसे कार्स आप हाईवे में लेके जाते हो तो वहां पर आपको फील होता है द कार फील्स लाइटर. वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल नहीं आएगा कि दिस कार इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस ड्यूरिंग ए क्रैश. सो कार्स विद जीरो स्टार सेफ्टी रेटिंग, आप ऐसे कार्स को हाईवे पे लेके जाना मतलब इज फूलिश. ठीक है, बहुत सारे कार जीरो स्टार स्कोर कर चुके हैं, एस्प्रेसो है, फिर उसके बाद मारुति के बहुत सारे कार्स है, बलिनो इज ऑल्सो नॉट स्कोर्ड, इवन ह्युंडई के कार्स है जो आर नॉट वेरी वेल रेटेड ऑन हाईवेज. तो मारुति के जो कार्स है लाइट वेट कार्स, उनका स्टेबिलिटी भी उतना बढ़िया नहीं होता है एंड नीदर आर देयर सेफ्टी रेटिंग्स. सो मारुति के जो कार्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बट इस टाइम पे व्हेन द सेफ्टी रेटिंग्स आर नॉट आउट, मैं हाईवे में ऐसे कार्स को रिकमेंड नहीं करूंगा. तो कार खरीदने के पहले स्पेशली हाईवेज के लिए सेफ्टी रेटिंग पूछिए, उनको पूछिए कि जी एनकैप रेटिंग कितना है, या जो भी एनकैप सेफ्टी रेटिंग है वो एक बार जान लीजिए कि कितना इस गाड़ी को मतलब ऑफिशियली कितना स्कोर मिला है. द नेक्स्ट कार दैट यू शुड अवॉइड इज कार विथ पुअर स्टेबिलिटी एंड ब्रेक्स. अब ये टेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि टेस्ट ड्राइव में आपको वो बोलते हैं कि आपको सिटी में ही चलाना है, बट ये एक मिथ है या मे बी ये गलत है क्योंकि आप डीलरशिप में क्लियरली बोल सकते हो कि मुझे हाईवे पे चलाना है गाड़ी. वो आपको कभी मना नहीं करेंगे, वो आपको बोल देंगे कि येस यू कैन टेक इट ऑन हाईवेज एंड आपको जहाँ चलाना है आप चला लीजिए और आप फील ले लीजिए कार का. तो ऐसे कार्स जो आप खरीदने वाले हो हाईवे के लिए, प्लीज़ टेस्ट ड्राइव में हाईवे पे ही लेके जाइए क्योंकि वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाई स्पीड में इसका स्टेबिलिटी कैसा है और हाई स्पीड में इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा है. रियली गुड एग्जाम्पल्स आर वोक्सवैगन और स्कोडा के कार्स जो मुझे लगता है कि टॉप में आते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड ब्रेकिंग ऑन हाईवेज. इवन टाटा के कार्स काफ़ी अच्छे होते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दीज काइंड ऑफ कार्स जो बहुत अच्छा स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं. स्टेबिलिटी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है हाईवे में वो काफ़ी रिलैक्सिंग होता है क्योंकि आपको वो फियर नहीं रहता है या आपको वो चलाने के टाइम एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं इसको आराम से कंट्रोल कर पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ मेकिंग लेन चेंजेस या टर्न्स या ब्रेकिंग. तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको वो रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस ऑफर करेगा ऑन लॉन्ग जर्नीस. नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपको ऐसे कार्स अवॉइड करना चाहिए वो है द कार्स विच लैक द पंच. द इंजन, जो इंजन वीक होते हैं कार्स के, दीज कार्स आर नॉट फन टू ड्राइव ऑन हाईवेज. स्पेशली जो कार्स का टॉप एंड काफ़ी वीक होता है वो काफ़ी कंबरसम लगता है. तो इंजन बढ़िया होना चाहिए, उसके साथ फीचर्स लाइक क्रूज कंट्रोल इज अ मस्ट. ठीक है, क्योंकि आपको इंजन परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा तो काफ़ी इरिटेटिंग होगा आपको क्योंकि जो एक्सेलरेटर पेडल है उस पर आपको दबा के रखना होगा एक्सेलरेटर पेडल, जो रेस्पॉन्स आप चाहते हो रेस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं. तो इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक अच्छा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, काइगर और ये मैग्नेट जो काफ़ी पॉपुलर कार्स है, ये बहुत अच्छे कार्स है बट जिसके जो 1 लीटर के इंजन्स है वो काफ़ी वीक टॉप एंड ऑफर करते हैं. द सेम विद टाटा के कार्स. तो अगर आप इन कार्स को खरीदने का प्लान कर रहे हो, डू नॉट गो विथ फीचर्स विदाउट क्रूज कंट्रोल. स्पेशली टाटा के कार्स या आप निसान या रेनॉल्ट के कार्स लेने वाले हो 10 लाख के अंदर, प्लीज़ क्रूज कंट्रोल वाले मॉडल को लीजिए क्योंकि अगर आप क्रूज कंट्रोल वाला मॉडल नहीं लेते हो तो आपको बहुत इरिटेशन होगा क्योंकि एक्सेलरेटर पेडल में आपको बहुत देर तक दबा के रखना होगा क्योंकि इसका जो इंजन का रिस्पॉन्स है वो उतना अच्छा नहीं है एंड जो ओवरटेकिंग एक्सपीरियंस है वहाँ पर भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. तो मेक श्योर यू चेक द इंजन रिस्पॉन्स 60 के बाद और 100 तक कि कैसा रिस्पॉन्स है. ओवरटेक करने का कोशिश कीजिए टेस्ट राइड में, तो टेस्ट ड्राइव में जब आप ओवरटेक करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इंजन का रिस्पॉन्स कैसा है. गुड एग्जांपल है इसकी मारुति का जो इंजन रिस्पॉन्स होता है के सीरीज का, वो बहुत बढ़िया होता है बट उसके साथ आपको सेफ्टी नहीं मिलता. और टाटा का जो है सेफ्टी मिलता है बट उसका परफॉर्मेंस नहीं मिलता है. द बेस्ट कॉम्प्रोमाइज इज स्कोडा और वोक्सवैगन के कार जो मैं रिकमेंड करूंगा ऑन हाईवेज क्योंकि इनके जो इंजन होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं बट एट द सेम टाइम आपको स्टेबिलिटी भी मिलता है इसके साथ.
बट यहाँ पर रिलायबिलिटी के कंसर्न्स है, लोग वोक्सवैगन स्कोडा के कार्स प्रेफर नहीं करते हैं. तो क्लोजेस्ट कार दैट यू गेट एट दिस रेंज इज होंडा. तो होंडा को भी आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि उनके भी कार्स 5-star रेटेड 4-star रेटेड है. हाँ, स्टेबिलिटी में भी वोक्सवैगन और स्कोडा जितने अच्छे नहीं होते हैं, बट काफ़ी बढ़िया से स्टेबिलिटी आपको ऑफर करते हैं. मेरे प्रेफरेंसेस क्या है जब मैं एक हाईवे के लिए कार खरीदने का प्लान करता हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगा सेडान. आई डो नॉट नो कि सेडान को इतना लोग क्यों हेट करते हैं, क्योंकि ये जो नकली SUVs होते हैं, कॉम्पैक्ट SUVs, ना ही आपको वो उस तरह का स्टेबिलिटी देते हैं जो सेडान ऑफर करते हैं, ना ही वो बॉडी कंट्रोल ऑफर करते हैं. और ये जो कॉम्पैक्ट SUVs है वो ना ही कोई ऑफ रोडिंग एबिलिटीज़ के साथ आते हैं. तो अगर आप हाईवे में लेना चाहते हो तो गो फॉर सेडान्स, दैट इज़ माय रिकमेंडेशन. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अच्छे सेडान्स होते हैं, जैसे प्रूवन प्रोडक्ट्स है होंडा सिटी, उनका जो बॉडी कंट्रोल और ब्रेक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो बेटर होता है. आपको ऐसा लगता है कि आप कोई लाउंज सीट में बैठे हो, ऐसा नहीं लगता कि आप कोई चेयर में बैठ के चला रहे हो. तो सेडान्स का जो बॉडी कंट्रोल है और स्टेबिलिटी है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है, दे आर मोर सुपीरियर. और उसके साथ हाईवे में जब हम कार खरीदते हैं तो बूट स्पेस भी ज़रूरी होता है, तो सेडान में आपको बूट स्पेस भी मिलता है. हाईवे में जाते हो तो फैमिली के साथ जाओगे, तो फैमिली के साथ जब जाते हो तो पीछे बैठने वाले जो पैसेंजर्स होते हैं तो उनके लिए कम्फर्ट भी बेटर मिलता है, क्योंकि सेडान्स में बेटर लेग रूम मिलता है. सेडान्स का रिक्लाइन एंगल पीछे वाले सीट का बहुत बेटर होता है, आप अपराइट नहीं बैठते हो, थोड़ा सा मतलब रिक्लाइन होकर बैठते हो. तो ये सारे पॉइंट्स एड अप होते हैं एक परफेक्ट हाईवे कार के लिए. तो अगर आप हाईवे कार खरीदना चाहते हो, स्टार्ट विथ अ सेडान, क्योंकि सेडान एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपको हाईवे में चलाने के लिए. नाउ मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली अवॉइड कॉम्पैक्ट SUVs, अगर आपको वो हाई सेट सीटिंग पोजीशन चाहिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बॉडी ऑन फ्रेम कार्स को अवॉइड करना है जैसे फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो एंड ये सब, आई वुड सजेस्ट आपको वो सुपीरियर ड्राइविंग पोजीशन चाहिए, देन द ओनली ऑप्शन दैट यूर लेफ्ट इज कॉम्पैक्ट SUVs, जो लैडर फ्रेम चैसी से बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये मोनोकॉक है. ठीक है, आई थिंक वन ऑफ द बेटर कार्स जो आपको SUV फील देते हैं बट बॉडी कंट्रोल बेटर होता है वो है XUV 700, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी एडवांस सस्पेंशन मिलता है, उसके साथ ये कार मोनोकॉक सस्पेंशन के साथ आता है. सो द बॉडी कंट्रोल एंड हाईवे स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार इज एक्सलेंट. ओके, सो आई वुड प्रेफर ए सेडान. अगर आपको SUV ही लेना है, यू आर एक्सपेक्टिंग to get a good car in the budget of 25 to 30 lakh, then you can go for cars like XUV 700. Now hatchbacks kin ko lena chahiye, kyunki sedans ho gaye, fir uske baad aapke paas compact SUVs ho gaye, fir hatchbacks kisko lena chahiye, jaise Altroz hai. Dekhiye, agar aapko aapke paas wo aapka budget thoda tight hai, kyunki sedans aap agar normal ek mid size sedan lete ho jaise वरना हो गया जो 5-star रेटिंग के साथ आता है, अभी होंडा सिटी है, वर्टस है, स्लाविया है, ये सारे जो कार्स है इनका प्राइस सेगमेंट थोड़ा ऊपर है. तो उसके नीचे सेगमेंट में अगर एक कार लेना चाहते हो, गो फॉर हैचबैक्स बिकॉज दे आर द बेस्ट ऑप्शन, इवन बेटर देन कॉम्पैक्ट SUVs, क्योंकि वो आप लोअर सीटिंग रहता है, बॉडी स्टाइल सेडान जैसे ही होता है, बस एक बूट स्पेस नहीं मिलता आपको. तो दीज कार्स आर फील मोर स्टेबल एंड गिव यू मोर कॉन्फिडेंस ऑन हाईवेज. तो इस तरह से मैं कार्स को रैंक करूंगा, और जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको वो सारे पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है, और जो पॉइंट्स मैंने बोला अवॉइड कीजिए ऐसे कार्स को, अवॉइड करने के लिए वो कार्स आप अवॉइड कर सकते हो इफ़ यू वांट अ रियली गुड हाईवे कार. ये एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये सिंपल से लेमैन टर्म्स में मैं समझा रहा हूँ उनके लिए जो पहली बार एक कार खरीदना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए है. अगर आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियंस देना चाहते हो और मेरे ओपिनियंस को रिजेक्ट करना चाहते हो तो वो गलत बात है, क्योंकि ये जो ऑडियंस है वो काफ़ी डिफरेंट है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, जिनको मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ. आपके ओपिनियंस आप ज़रूर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू ऑल द बायर्स एंड फॉर मी एज वेल. तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो भाई पूछ रहे हैं कि बलिनो को सेल करने के बाद मुझे कौन से कार की तरफ जाना चाहिए, शुड आई गो फॉर पंच, नेक्सॉन या अल्ट्रोस. टाटा के कार्स मैं प्रेफर करूँगा बिकॉज दे कम विथ बेटर सेफ्टी. सबसे बड़ा स्कैम ये है कि टाटा के कार्स बहुत बढ़िया है सेफ्टी के मामले में, बट ये उस पॉइंट्स में नेक्सा
डीलरशिप के कार स्कोर करता है वहाँ पे टाटा सफ़र करता है। तो एकदम ऑपोजिट है, बलिनो में आपको बहुत बढ़िया इंजन मिलता है, टाटा में आपको उस तरह का इंजन नहीं मिलता है रिफाइनमेंट और पावर के मामले पावर की बात करें। नेक्स्ट चीज़ यह है कि जो नेक्सा का सर्विस और डीलरशिप नेटवर्क है वो बहुत बढ़िया है, टाटा का बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो टाटा लेके मे बी आप सेफ्टी को लेके यू विल बी हैप्पी, बट बाकी जो एरियाज है वहाँ पे यू विल नॉट बी हैप्पी, राइट? सो दिस इज नॉट द परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि अगर आप एक कार खरीदना चाह रहे हो, आई डोंट वॉन्ट यू टू फेस इश्यूज अगेन, क्योंकि आप बलिनो से ऑलरेडी यूज टू हो चुके हो, सो यू वुड वॉन्ट समथिंग बेटर देन दैट। अगर आप थोड़े पॉइंट्स में ऐसे सर्विस क्वालिटी और इंजन में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जो मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए, देन मे बी आप टाटा के कार के तरफ जा सकते हो। सिंस यू हैव ड्रिवन योर कार फॉर ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर्स, आप ज्यादातर हाईवे में चलाते हो, आपका अगर कोई बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो आप नेक्सॉन के टॉप मॉडल के तरफ जा सकते हो, क्योंकि इवन इफ द इंजन इज नॉट गुड यू एटलीस्ट गेट अ टर्बोचार्ज इंजन, इवन अल्ट्रोस में आता है। पंच को आप अवॉइड कीजिए क्योंकि पंच में टर्बो का ऑप्शन नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बलिनो चलाने के बाद एटलीस्ट आपको टर्बोचार्ज्ड इंजन लेना चाहिए टाटा से। तो अगर आपके बजट के कंस्ट्रेंट्स नहीं है, गो फॉर नेक्सॉन। अगर बजट कंस्ट्रेंट्स है, गो फॉर द टर्बो मॉडल ऑफ अल्ट्रोस, राइट? तो यू विल बी हैप्पी, द ओनली थिंग दैट यू कैन सफर इज रिलेटेड टू द सर्विस क्वालिटी। द ओनली कार जो मारुति के को हम कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट इट ऑफर्स इज हुंडई, क्योंकि हुंडई बहुत बढ़िया इंजन क्वालिटी ऑफर करता है, रिफाइनमेंट ऑफर करता है, स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है, क्वालिटी भी अच्छा है, सर्विस क्वालिटी भी अच्छा है, बट उनके कार्स अगेन 5-star रेटिंग एक ही कार स्कोर करता है, एंड दैट इज वर्ना। और मुझे लगता है कि आपको वर्ना के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वर्ना इज अ ग्रेट कार। आई नो दैट यू आर इंक्लाइनिंग मोर टुवर्ड्स SUV काइंड ऑफ स्टाइल, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार वर्ना ट्राई कर लीजिए, क्योंकि दिस कम्स विद अ 5-star सेफ्टी रेटिंग, आपके फैमिली के लिए बहुत कंफर्टेबल होगा, क्योंकि बैक सीट में लेग रूम अच्छा होगा, द कार इज मच लार्जर, बूट स्पेस बेटर होगा, तो इट विल बी अ प्रॉपर अपग्रेड फॉर यू फ्रॉम बलिनो। तो फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years यू विल नॉट लुक फॉर एन अपग्रेड। सो आई थिंक वरना आपके लिए एक बेटर कार है, इट विल मैच द रिफाइनमेंट एंड क्वालिटी ऑफ बलिनो, एंड ऑन टॉप ऑफ इट सर्विस क्वालिटी जो होगा वो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए, एंड दिस एपिसोड I'm just trying to help those people who want to buy a good highway car. अगर आपको ये useful लगा, helpful लगा, तो please like कीजिए और comment section में बताइए आपका feedback. बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके. Always take care, drive safe, wear your seat belts. Bye bye.